ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब एक अच्छी खबर है हवाई यात्रियों के लिए। जयपुर एयरपोर्ट पर 28 मार्च से समर शेड्यूल लागू हो जाएगा, जिसके साथ ही 12 नई फ्लाइट भी शुरू होगी, जिससे यात्रियों को पर्याप्त संख्या में फ्लाइट मिल सकेंगी। तो वही खास बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट से अब रेड आई फ्लाइट भी संचालित होगी। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर 28 मार्च से समर स्केड्यूल लागू होने के साथ ही करीब 12 फ्लाइट संचालित होंगी, जिसके चलते अब हवाई यात्रियों को पर्याप्त फ्लाइट्स मिल पाएंगी। खास बात यह है कि समर स्केड्यूल में जयपुर से 4 से 5 रेड आई फ्लाइट भी शुरू हो सकती हैं। इनमें से 3 फ्लाइट्स का स्केड्यूल तय हो चुका है। इन 3 फ्लाइट्स को इंडिगो एयरलाइन शुरू करेगी। इनमें से फ्लाइट 6768 जयपुर से रात 12:10 पर जाएगी और 2:40 पर गोवा पहुंचेगी। फ्लाइट 6778 गोवा से रात 3:15 पर चलेगी और जयपुर सुबह 5:45 पर पहुंचेगी। फ्लाइट 6029 मुंबई से रात 12:25 पर चलेगी और 2:10 पर जयपुर पहुंचेगी। फ्लाइट 6031 रात 2:40 पर जाएगी और 4:25 पर मुंबई पहुंचेगी। फ्लाइट 6373 रात 11:15 पर चलेगी और 1:45 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। तो फ्लाइट 6273 रात 10:50 पर बेंगलुरु से चलकर 1:20 पर जयपुर आएगी। रेड आई फ्लाइट्स के शुरू होने से अब यात्रियों को देर रात में भी हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। अभी जयपुर एयरपोर्ट से रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक फ्लाइट संचालन नहीं हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से अभी रोजाना 42 फ्लाइट चल रही हैं। समर स्केड्यूल में इनकी संख्या 55 के आसपास हो सकती है, जिससे यात्रियों को एक ही शहर के लिए हवाई यात्रा करने के ज्यादा विकल्प मिल सकेंगी। नई फ्लाइट्स में फ्लाइट 6273 जयपुर से दोपहर 1 बजे जाएगी, 2:45 पर बड़ोदरा पहुंचेगी। फ्लाइट 6274 बड़ोदरा से दोपहर 3:20 पर चलेगी और 5:05 पर जयपुर पहुंचेगी। फ्लाइट 6154 दोपहर 12:50 पर जाएगी, 2:20 पर सूरत पहुंचेगी। फ्लाइट 6237 शाम 7:10 पर चलेगी, शाम 8:35 पर जयपुर पहुंचेगी। फ्लाइट 6272 सुबह 9:10 पर चलेगी, 10:45 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। फ्लाइट 6273 सुबह 11:05 पर चंडीगढ़ से चलकर 12:40 पर जयपुर आएगी। फ्लाइट 6116 दोपहर 1:45 पर चलेगी, दोपहर 3:30 पर पुणे पहुंचेगी। फ्लाइट 6117 शाम 4:05 पर पुणे से चलकर 5:55 पर जयपुर आएगी। फ्लाइट 6275 रात 9:15 पर चलेगी, रात 10:50 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। फ्लाइट 6276 सुबह 7:15 पर अहमदाबाद से चलकर 8:50 पर जयपुर आएगी। अच्छी बात यह है कि करीब 2.5 साल बाद वडोदरा के लिए फिर से फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं, तो पुणे, सूरत, चंडीगढ़ और अहमदाबाद के लिए भी नई फ्लाइट शुरू होंगी। हालांकि इस बीच इंदौर के लिए एयर कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर समर स्केड्यूल के साथ हवाई यात्रियों को पर्याप्त लाइट मिल सकेंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।